तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी के एमसीक्यू टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो जिन जिन भी यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं सेकेंड सेमेस्टर की होने वाली हैं, बीए सेकेंड सेमेस्टर की, उनका सब्जेक्ट हिंदी है और प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें इंक्लूडेड है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपको बताते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि ज्ञान दर्शक एक है, तो ज्ञान दर्शक एक क्या है इन ऑप्शनों में से। प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि बा नंबर। जो ज्ञान दर्शक है एक शैक्षिक दूरदर्शन प्रसारण सेवा है जिसके माध्यम से लोगों तक जानकारी दी जाती है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे आप हेल्पफुल प्रश्न है। अगला है कि ज्ञानवाणी एक है, तो ज्ञानवाणी एक क्या है, तो ज्ञानवाणी एक FM TV चैनल है, मतलब रेडियो चैनल होता है, ठीक है, उसी का नाम ज्ञानवाणी है, ठीक है। अगला कि ज्ञानवाणी का वास्तविक रूप में प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था, कब शुरुआत हुई थी इस चैनल की, ठीक है, रेडियो पे, तो ये हुई थी 7 जुलाई 2003 को। सही जवाब बा नंबर होगा। अगला कि ज्ञानवाणी केंद्र का प्रसारण सीमा कितने किलोमीटर तक है, कहाँ तक ये जाता है, तो 60 किलोमीटर के अंदर ही ज्ञानवाणी चैनल का प्रसारण किया जाता है, आ नंबर सही जवाब होगा। अगला कि ज्ञानवाणी का प्रसारण प्रतिदिन होता है कितने घंटे, तो ये होता है 16 घंटे, सही जवाब सा हो जाएगा। अगला कि ज्ञान दर्शन द्वितीय का दूसरा नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे इसका दूसरा नाम है एकलव्य, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वैच्छिक TV चैनल कौन सा है इन ऑप्शन में से जहाँ पर शिक्षा मिलती है, तो स्वैच्छिक TV चैनल है ज्ञान दर्शन, सा नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि वेब पेज एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि जो आप कुछ जैसे कि ईमेल लिखी होता है ना, तो ईमेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ दूसरा पेज ओपन होगा, मतलब कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर नीले कलर से लिखा होता है और नीचे अंडरलाइन होती है, तो कुल मिला के लिंक जिस पर क्लिक करने पर आप दूसरे पेज पे या फिर कहीं अलग चले जाएं, उसको हम हाइपरलिंक बोलेंगे, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, जैसे कि आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से ज्वाइन होंगे, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो दिया लेंगे उस पर आप क्लिक करेंगे ना, तो आप हमारे व्हाट्सएप से ज्वाइन होंगे, टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पे ज्वाइन होंगे, ठीक है, तो क्या हो गया, हाइपरलिंक ही हो गया, ध्यान रखेंगे। अगला कि इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ क्या होता है, तो इंटरनेट बैंकिंग का मतलब होता है कि इंटरनेट के जरिए बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेना, यानी कि इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, ठीक है, यानी कि जो भी आप लोग ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं, लेन देन करना चाह रहे हैं, अपना स्टेटमेंट देखना चाह रहे हैं, तो ये सब होता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के समस्त प्रस्तुत है कि निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है, मतलब जिस जो कनेक्ट किया जाता हो, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कनेक्ट जो किया जाता है वो इंटरनेट है, क्या है, इंटरनेट है, सही जवाब आओगा, ध्यान रखेंगे। अगला कि ईमेल भेजते समय .. की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देते हैं, यानी कि ईमेल भेजते समय जो आपका सब्जेक्ट होता है वही बता देता है कि भैया कि इस संदेश में या फिर इस लेटर में आगे क्या कुछ लिखा गया है, फिर किसके बारे में ये जानकारी दी गई। जैसे कि आप लोग कुछ भी लेटर लिखते हैं, कहीं प्रार्थना पत्र देते हैं, तो पहले आप सब्जेक्ट में लिख देते हैं ना किसके बारे में, तो उसी से पता चल जाता है कि ये किसके बारे में, तो इसी तरह सेम टू सेम इसमें ईमेल में भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि .. ऐसी डिवाइस जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट के लिए किया जाता है वो कौन सा है, तो सिंपल सा है मॉडम। मॉडम के माध्यम से आप लोगों को जानते हैं पहले इंटरनेट चलाया जाता था, सिम उसी में लगती, तब तो हॉटस्पॉट का ज़माना आ गया, सब कनेक्ट करके चला लेते हैं, पहले मॉडम के माध्यम से, मॉडम में सिम लगती थी, उसी को कंप्यूटर लैपटॉप में लगाया जाता था, तब नेट चलता था, ठीक है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क कनेक्शन है जिसपे जोड़ा जा सकता है, तो इन ऑप्शनों में से केवल नेटवर्क कनेक्शन जो है वो है इंटरनेट, जिसको जोड़ा जा सकता है, सही जवाब बा नंबर होगा, ध्यान रखेंगे। प्रमुख प्रश्न है क्योंकि आप सभी के प्रश्न पत्र का ही नाम कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, तो सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर से जुड़े क्वेश्चन होंगे, इंटरनेट से जुड़े होंगे, प्लस ऑफिस से जुड़े क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, स्पैम मेल, ठीक है, जो फालतू के आते हैं जिनसे आपको हानि हो सकती है आपके मोबाइल में या फिर आपके डेटा में। अगला क्वेश्चन कि ई पाठशाला वेबसाइट व ऐप का निर्माण किस संस्था ने किया था, यानी जिसके माध्यम से आप कुछ सीख सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ये लॉन्च की गई वेबसाइट है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही जवाब हो जाएगा, प्रमुख प्रश्न है, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ठीक है, NCERT के द्वारा, ठीक है, तो NCERT जो है ये मतलब कि इसके माध्यम से ये ई पाठशाला वेबसाइट जारी की गई है, जिसके माध्यम से 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे जो अपना फ्लेवर्स है या फिर अपना जो पाठ है, लेसन है, वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं ई पाठशाला वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है, 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे। अगला प्रश्न है कि इमेज या ग्राफ को प्रदर्शित करना और महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण पहलुओं और विगत संदेश पर श्रोतागण का ध्यान आकृष्ट कराना हो तो किस प्रोग्रामिंग का कार्य, मतलब किस प्रोग्रामिंग का कार्य है ये, तो अपनी ओर आकर्षित करना हो तो उसको PPT के माध्यम से किया जाता है, यानी कि पावर प्रेजेंटेशन। जितना भी आपका अच्छा फ्लाइट रहेगा, यानी कि मिला के जैसे जितनी अच्छी आपकी वीडियो रहेगी, जितनी अच्छी स्लाइड आप यूज करेंगे, उतना भी अगला बंदा आपके वीडियो के अपने आप जो PPT बनाए, यानी कि प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए हैं, उसकी ओर वो आकर्षित होगा। मतलब जितना ही अच्छा रहेगा उतना लोग पसंद करते हैं, ये आप सभी को मालूम ही है, ठीक है, चाहे जो भी चीज़ हो। अगला प्रश्न है कि मीडिया संचिका किसके अर्थ में प्रयुक्त होती है, तो मीडिया संचिका जो है, ध्यान रखेंगे, ये पॉडकास्टर से संबंधित है, सही जवाब सा होगा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पर उपलब्ध पत्रिका कौन सी नहीं है, तो इंटरनेट पर उपलब्ध जो पत्रिका नहीं है इन ऑप्शनों में से, वो है आलोचना, द नंबर सही जवाब होगा। अगला कि ज्ञान दर्शन वेबसाइट का उद्देश्य क्या है, तो एक वेबसाइट जिसका नाम ज्ञान दर्शन है और इस वेबसाइट का मतलब यही है, इसका अर्थ यही है, इसका उद्देश्य यही है कि विभिन्न शैक्षिक प्रोग्रामों को प्रसारित करना और लोगों तक उसको पहुंचाना, ताकि लोग पढ़ सकें, सीख सकें, जान सकें। अगला है कि ज्ञान दर्शन वेबसाइट का उद्देश्य बताइए, तो ज्ञान दर्शन वेबसाइट जो है इसका भी उद्देश्य ऐसा ही है, विभिन्न शैक्षिक प्रोग्राम को प्रसारित करना, यानी कि बहुत सारे जो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 या फिर जितने भी शैक्षिक प्रोग्राम है जहाँ पर शिक्षा मिलती है, उन सब चीज़ों को प्रसारित करना इंटरनेट के माध्यम से, ताकि लोग जान सके, समझ सके, पढ़ सके, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आभासी कक्षाओं का माध्यम है, तो आभासी कक्षाओं का माध्यम कौन है आपको बताना है, प्रमुख प्रश्न है एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे, वो है गूगल मीट। गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस भी चल सकती हैं और कहीं मीटिंग है वो भी हो जाती है, ठीक है, तो इस तरह के काम होते हैं गूगल मीट से। अगला क्वेश्चन है कि मतलब कक्षाओं का माध्यम जो है इसी से किया जाता है, क्लासेस जो होती हैं स्कूल की। अगला कि PPT का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि PPT का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखेंगे PPT का जो फुल फॉर्म है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, सही जवाब इसका आ नंबर हो जाएगा। अगला कि फेसबुक माध्यम की प्रकृति, मतलब कि जो फेसबुक है वो कौन से प्रकार का माध्यम है, तो ये है सामाजिक माध्यम, क्योंकि इसमें सोशल सभी लोग जुड़े होते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत नहीं होता है, और ध्यान रखेंगे काफ़ी प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला कि ब्लॉग की प्रकृति कैसी है, तो ब्लॉग भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्लॉग जो होता है किसी इंडिविजुअली इंसान के माध्यम से बनाया जाता है, इसलिए व्यक्तिगत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और या सुनिश्चित करते हैं कि फार्म ठीक से पूरा हो गया या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो ध्यान रखेंगे इस प्रोसेस को कहा जाएगा फ्लैश, आ नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको ऐसे किसी ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते, तो आपको क्या करना चाहिए, मान लीजिए आपको कोई मेल भेजता है या फिर आपके मेल आता है तो आप उसके बारे में नहीं जानते या फिर आपको जानकारी नहीं मिली, तो आप उस मेल का क्या करेंगे, तो ध्यान रखेंगे आपको उस मेल को तुरंत को तुरंत बिना खोले मिटा देना चाहिए, कभी भी कोई मेल खोल के मत देखिएगा, क्योंकि उस पर ऐसा सिस्टम अटैच किया जाता है, जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लोगों का जो डेटा है या फिर आपका जो डिवाइस है वो अगले बंदे के कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी अपने कोई भी फालतू की लिंक या फिर फालतू की जो मेल आते हैं उनको कभी भी मत ओपन करना, ठीक है, तो बिना खोले से मिटा देना चाहिए। अगला प्रश्न है आप लोगों के समस्त की भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए जिसने इंटरनेट पर वेबसाइट बनाया है, तो भारत की पहली जो पार्टी है, पोलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी जिसने पहली बार अपना वेबसाइट इंटरनेट पर बनाया, तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि BJP, भारतीय जनता पार्टी ने ही सर्वप्रथम ऐसी पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रदेश का नाम है सिक्किम, ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वप्रथम जिस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी प्रोवाइड कराई है या फिर फैसिलिटी उपलब्ध कराई, उसका नाम है सिक्किम, ध्यान रखेंगे, बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है, तो बहुत ही प्रमुख प्रश्न ये भी है, तो इंटरनेट जो है इन ऑप्शनों में से वो इनमें से किसी के माध्यम से नहीं चलाया जाता है, ये आप गलत ऑप्शन है, आप लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि .. डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है, मतलब कौन से डिवाइस है जो दो या दो से अधिक डिवाइसों को जोड़ता है, बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको मालूम, तो इन ऑप्शनों में से सही जवाब हो जाएगा गेटवे, आ नंबर सही जवाब होगा, इन ऑप्शनों में से सही जवाब होगा गेटवे, ध्यान रखेंगे। अगला के एक वेबसाइट समूह है, मतलब कि जो वेबसाइट होता है वो किस चीज़ के ग्रुप से बनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे जो वेबसाइट होती है वो वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट के कलेक्शन से, समूह से एक वेबसाइट तैयार की जाती है, इफ्लेज का सही जवाब हो जाएगा आ नंबर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि स्पैम निम्नलिखित में से किसके हित है,
तो स्पैम जो इनमें से जिसके हित में है वो है अनसोलिसिटेड ईमेल। सही जवाब ब नंबर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से एक कथन सत्य है ये कि इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है, यही एक सही जवाब है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है कौन इन ऑप्शनों में से है। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में इन ऑप्शनों में से जो मदद करता है ब्राउज़र। आप कुछ भी सर्च करेंगे तो आप गूगल सर्च इंजन का प्रयोग करेंगे, फिर कोई ब्राउज़र क्रोम मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका यूज करेंगे। तो ये एक माध्यम है कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ने का, इसी के माध्यम से आप कुछ भी सर्च करते हैं। ठीक है, ब्राउज़र। अगला कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, इसकी बहुत विद्वानों के अनुसार अलग अलग मतभेद हैं। तो चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं सर्च करके बताइए क्या सही जवाब होगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह करते हैं। ठीक है, किस माध्यम से करते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये सब पॉसिबल है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब पॉसिबल है ई कॉमर्स के माध्यम से। जैसे कि आप लोग कोई कोई भी सामान आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं या फिर बेचते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो ई कॉमर्स है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आ नंबर। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि ईमेल का पूरा नाम बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप सभी को मालूम ही है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सात। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। अगला कि सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, यानी कि सूचना का जो राजपथ है वो कहा जाता है किसको, बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए इसका भी उत्तर आपको बताइए, देखिए इन छात्रों को मालूम है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, तो इनमें से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी जो शब्दावली नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे वो है प्रकाश भंडारण। सही जवाब सा होगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है, ठीक है, तो इनमें से एक प्रौद्योगिकी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं जो है, ठीक है, वो है पिनाका। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आता, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इंटरनेट से संबंधित जो पद नहीं है वो इनमें से एक है, वो है प्रिंटर। भाई ब्राउजर लिंक सर्च इंजन सब इंटरनेट के माध्यम से ही चलते हैं। ठीक है, सही जवाब इसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संबंधी नहीं की बात हुई तो प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी किस वर्ग में है, तो बहुत ही पूर्वक प्रश्न है। भारत में जो हिंदी है, ठीक है, वो राजभाषा वर्ग में है, आ नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ध्यान रखेंगे प्रमुख प्रश्न है 343 और 351 में, मतलब अनुच्छेद जो है इसमें राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, आपको जानना भी चाहिए। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है, 12 नंबर सही जवाब। अगला कि सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत है वो कौन सी है ऑप्शनों में से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सात, राजभाषा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वयं कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो सिंपल सी बात, ये शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, सही जवाब इसका बा हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की राजभाषा आप सभी को मालूम है कौन सी, भारत की राजभाषा हिंदी है, सही जवाब आ होगा। अगला संविधान अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया, तो इसको भी आप लोगों को मैंने भी बताया, तो हिंदी भाषा के विकास संबंधित कैश के बारे में इसमें वर्णन किया गया। अगला कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ था, तो सही जवाब इसका हो जाएगा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था, उनके शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी का विकास माना जाता है, देवनागरी जो लिपि है इसका विकास माना जाता है कौन सी लिपि से, ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ठीक है ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, सा नंबर सही जवाब। अगला कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्वालिटी यही है कि सार्वधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, यही सही जवाब होगा दा नंबर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है, तो इनमें से एक विशेषता जो देवनागरी में नहीं है वो ये है कि विकास की दृष्टि से या लिप ब्राह्मी एवं खरुष्टि की समकालीन है, यही सही जवाब होगा। अगला है कि देवनागरी लिप मूलतः क्या है, तो देवनागरी लिप जो है मूलतः अक्षरात्मक है, सही जवाब इसका बा होगा। अगला कि इनमें से कौन सी लिप नहीं है, एक लिप जो है वो नहीं है अंग्रेजी, एक लिप नहीं है, बाकी सभी लिपियाँ हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, हालांकि समय शॉर्ट होने के कारण सभी क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष यहीं पर लाइव नहीं प्रस्तुत कर सकते। बाकी मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगा कि 150-200 क्वेश्चन हमारे पास हैं। ठीक है,
इनको मैं सॉल्व बिरयानी की विथ आंसर सहित आपको देने वाला हूँ। इसमें से सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन है, लेकिन एक हमारे पीडीएफ है और जो कि मैंने आपको बता दी, इसमें 150-200 क्वेश्चन, वो उसमें आंसर सहित हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखा तो उसके सामने उत्तर भी लिखा होगा, वो पूरी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो सिंपल सा आपका क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उससे ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने के बाद जैसे ज्वाइन होंगे, वहाँ पर आपको एक एडमिन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, ग्रुप में जैसे ज्वाइन होंगे, जैसे कि आप मैसेज ग्रुप पे आप मैसेज नहीं कर सकते, सिर्फ हम ही कर सकते हैं, लेकिन जब आप ज्वाइन होंगे तो आपको एक एडमिन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, मतलब कि वही नीचे जहाँ पर चैट किया जाता, तो एडमिन पर क्लिक करेंगे तो हमारा व्हाट्सएप खुल जाएगा। तो आप हमें वहीं पर पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें बी ए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी की एम सी क्यू टाइप की जो महासंग्राम पीडीएफ वो सेंड कर दीजिए, तो हम आपको तुरंत के तुरंत सेंड कर देंगे। तो आप उसमें से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, और वो पीडीएफ आपको ऐसे नहीं मिलेगी, जो छात्र मैसेज करेंगे उन्हीं को मिलेगी। ठीक है, और बाकी आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको समय रहते सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हालांकि हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आप सभी को सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही बताए जाएँ जो एग्ज़ाम में आने के चांस है। ठीक है, बाकी सभी प्रश्नों का उत्तर देकर आइएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइए, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई मानस मार्किंग नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जय हिंद।